बताइए सुमित, आज की कंपनी कौन सी है? इनफैक्ट सुमित से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार रिकैप बता देते हैं अब तक का जिन स्टॉक्स का हमने जिक्र किया शो के दौरान। 5 ऐसे स्टॉक्स आपको बताए जहां पर एक कमजोरी आज के सत्र में देखी जा रही है, और आज की वीकनेस के बाद आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इस पर एक्सपर्ट्स ने कमेंट्स भी दिए। सुप्रीम इंडस्ट्रीज, इंडिगो, कैनरा बैंक, और साथ ही जिक्र हुआ अशोक लेलैंड और नालको का। सुप्रीम इंडस्ट्रीज सेल करने की सलाह है, और साथ ही अवॉइड करें कैनरा बैंक का। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक जिसका जिक्र किया अभी कुछ देर पहले संदीप ने, वो है जेपी इंफ्राटेक का। हाई डेट है, मैक्सिमम प्रमोटर होल्डिंग प्लेज्ड है, लगातार एक वेल्थ डिस्ट्रॉयर पूरा ही ग्रुप रहा है, और जेपी इंफ्रा जो अब कर्ज को चुकाने के लिए लैंड जो सेल करने की बात कर रही है या फिर जो कुछ एसेट सेल करने की बात कर रही है उसमें भी कंपनी सक्सेसफुल नहीं रही है अब तक। तो आप अलर्ट रहे इन सब खबरों के बीच में, स्टॉक को ना खरीदें, वही शायद बेहतर होगा। अगर खरीदते हैं तो शायद आपको नुकसान हो। ये जानकारी आपके साथ इसलिए शेयर की जा रही है ताकि कोई भी स्ट्रैटेजी अगर आपने प्लान की हुई है तो आप अलर्ट हो जाएं। इस पूरे ही ग्रुप से इनफैक्ट आप दूर रहें। जेपी एसोसिएट 5 रुपए के स्तर पर, जेपी इंफ्रा 5.5 के स्तर पर, जेपी पावर में भी 3.80 रुपए का लेवल अभी देखा जा रहा है। वेल डिस्ट्रॉयर पूरा ही ग्रुप रहा भी है। लेकिन बात करेंगे अब आज के पेनी स्टॉक की। पेनी स्टॉक यानी एक ऐसा शेयर जिसकी लो वैल्यू है, कोई फंडामेंटल्स नहीं है, और तब भी स्टॉक में एक सर्ज आया है। ऐसे स्टॉक जितनी तेजी से चलते हैं उतनी तेजी से गिरने की भी संभावना होती है। तो हर रोज एक स्टॉक हम आपको बताते हैं ताकि हाल ही के प्राइस एक्शन को देखते हुए आप अट्रैक्ट ना हो जाएं या फिर खरीदारी का नजरिया ना अपनाएं। पहले देखिए कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपनी का कामकाज है कैसा। सुमित मौजूद है, बताइए सुमित कौन सा शेयर है। शुक्रिया दीपाली, आज जो शेयर चुन के लाया उसका नाम है AGEL लिमिटेड। एक कंपनी 5 से 5.5 रुपये शेयर प्राइस का, एकाएक तेजी आई, 2 रुपये से शेयर चलना शुरू हुआ और 5 रुपये पहुंच चुका है। जिस तरह का मोमेंटम इसने पकड़ रखा है, बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये शेयर इससे भी ऊपर के लेवल देखने को मिले। लेकिन कंपनी कारोबार देख लीजिए, IT कारोबार के अंदर ये कंपनी शामिल है। कारोबार ढूंढने में तो नहीं मिला कंपनी का कारोबार क्या है, लेकिन हाँ, एक साल के दौरान शेयर 57% के आसपास का एक स्पाइक जरूर दिखा चुका है। सालाना घाटा कंपनी को करीब 14 लाख रुपये के आसपास का सालाना घाटा कंपनी पोस्ट करती है। आय करीब 4.5 करोड़ रुपए, और जो घाटे का फिगर ही हर साल नहीं है, कुछ साल में कंपनी ने फिगर ही नहीं दिया कितना इनको घाटा हुआ है। तो मोर लेस अटक अटक के आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन जो भी आंकड़े आ रहे हैं उसमें घाटा ही देखने को मिल रहा है। 13 करोड़ रुपए कंपनी के ऊपर कर्ज है, कुल 5 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है शेयर की, इस कंपनी की, तो मार्केट कैप से कहीं ज्यादा कर्ज है। नेटवर्थ भी इनफैक्ट 10 करोड़ रुपए के आसपास की, लेकिन उससे भी ज्यादा कंपनी के ऊपर कर्ज है, तो इंटरेस्ट आउटगो लगातार कंपनी पे करती आ रही है। इसके अलावा पिछले 5 सालों से अगर कर्ज को आप देखें तो कहीं 3 करोड़ से 2 से 2.5 करोड़ होने वाला कर्ज सडनली बढ़ के 13 करोड़ के आसपास पहुंच जाता है। तो एकाएक इनके जो पिछले 4-5 सालों में कर्ज का एक ट्रेंड है वो भी लगातार बढ़ता दिखाई पड़ा है, यानी कि डेट भी इनके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफी बड़े हैं। डेट हाई हो रहे हैं, पेमेंट देने के लिए कैश फ्लोज नहीं है, कंपनी मुनाफे में नहीं, रादर घाटे में है, और जिस तरह की सिचुएशन है या जिस तरह कामकाज देखने को मिल रहा है उससे भी कोई खास गोइंग फॉरवर्ड फ्यूचरिस्टिक अप्रोच नहीं दिखाई पड़ रही है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए आप शेयर में ना निवेश करें, लेकिन अगर आप निवेश करते भी हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। श्योर सुमित, बट विकास वेरी क्विकली जैसे सुमित बता रहे थे, एक भी ऐसा फंडामेंटल रीजन नहीं है जो कि एक टॉप स्टॉक में होना चाहिए जिसको यू कैन गो एड एंड बाय। जैसे सुमित बता रहे थे कि 13 करोड़ का डेट है, 5 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत बड़ा कंसर्न है ऑन द बिजनेस एज वेल। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे, कितना बिग अवॉइड ऐसे स्टॉक्स होने चाहिए? बिल्कुल मनोज, बिल्कुल बहुत ही दूरी रखनी चाहिए इस तरह के स्टॉक से। स्टॉक को मैं क्लोजली ट्रैक नहीं करता, बट जिस तरह के फंडामेंटल्स के बारे में संदीप ने बताया तो उनको देख के फिर कुछ डिस्कस करने का बचा नहीं है। मुझे नहीं लगता इस स्टॉक में कोई भी तरीके से निवेशित रहने का कोई जस्टिफिकेशन है। जिनके पास है वो बिल्कुल उनको बेच के इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए। दैट वुड बी माय एडवाइस। बिल्कुल दूर रहे इस शेयर से। AGEL लिमिटेड, इस साल की शुरुआत में ये स्टॉक 1.5 रुपए का होता था और अब 5.5 रुपए का हो चुका है। आप देखिए कितने गुना ये बढ़ गया है महज 4 महीने में। और ये जानकारी सिर्फ आपको इसीलिए आपको बताई जा रही है क्योंकि ऐसे प्राइस एक्शन को देखकर ऐसे छोटे वैल्यू के स्टॉक में बहुत सारे निवेशक हैं जो अट्रैक्ट हो जाते हैं और जो खरीदने के बारे में सोचते हैं इस तरीके के स्टॉक्स को, सोचते हैं कि इतने अच्छी तेजी दिखा चुका है, चलिए खरीद लेते हैं, अच्छा मोमेंटम आ सकता है। लेकिन जिस तरह से भी सुमित ने इलैबोरेट किया कि फंडामेंटल्स कंपनी के बेहद खराब हैं, कंपनी की अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आप देखेंगे, सेल्स देखेंगे, तो कोई भी ऐसा ट्रिगर नहीं है जो कि इस तेजी को सपोर्ट करता है। तो आप अलर्ट रहे AGEL लिमिटेड से। IT कंसल्टिंग कारोबार में कंपनी डील करती है, लेकिन कॉशियस यहां पर रहने की जरूरत है मौजूदा फंडामेंटल्स को देखते हुए। 4.5% ऊपर अभी भी ये स्टॉक कामकाज कर रहा है। एक SMS भी हमें आया है एक ऐसे ही स्टॉक पर, अनूप का, दिल्ली से बिरला पावर पर। इन्होंने क्वांटिटी ले रखी है 10,000 शेयरों की और जो परचेजिंग प्राइस है वो 1.5 रुपए का है। एक्चुअली 1-2 रुपए के स्टॉक
की ओर ना ज्यादातर इन्वेस्टर्स काफी अट्रैक्ट होते हैं। अब इस स्टॉक में करना क्या चाहिए बताना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं विकास आप ही के पास आऊंगी। हालांकि यहाँ पर कामकाज तो सस्पेंडेड है पिनो रीजंस की वजह से और 0.09 के लेवल पर ही है। इन्होंने 1.5 रुपए पर खरीदा लेकिन जो भी पैसा लगाया वो पूरा डूब चुका है। बिल्कुल दीपाली, चूंकि इस कंपनी में एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंडियन बिजनेस हाउस का नाम जुड़ा हुआ है तो इसलिए लोग बिल्कुल धोखा खा जाते हैं, बट कंपनी के फंडामेंटल्स बेहद ही कमजोर है। मुझे नहीं लगता इस तरह के स्टॉक में बिल्कुल निवेश करना चाहिए, सो आई वुड रिकमेंड अ सेल ऑन द स्टॉक। जी तो एग्जिट हो जाइए। वैसे तो अब ऑलरेडी आप अपने जो निवेश की राशि है वो सब गवा चुके हैं, लेकिन अलर्ट रहिए। ऐसे 2 रुपए 5 रुपए के स्टॉक्स या फिर 10 रुपए 15 रुपए के स्टॉक क्यों ना कोई भी शेयर आप खरीदें, पहले समझिए कंपनी कामकाज क्या करती है, फंडामेंटल्स कैसे हैं, बीते क्वार्टर्स का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे रही है, उसके बाद खरीदने के बारे में सोचिए। और बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे स्टॉक का चुनाव करना जहां पर लिक्विडिटी अच्छी हो, वरना आपके फंसने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे। M&M के स्टॉक को एक बार देख लेते हैं, 1.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है और अभी भी सेल्स फिगर्स भी आए हैं। जो कुल बिक्री है वो 36,706 यूनिट से बढ़कर 40,656 यूनिट रही है। स्टॉक 15 रुपए की बढ़त लेकर ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट की सेल्स देखें तो वहां भी 20% के आसपास की ग्रोथ दिखी है, लेकिन ओवरऑल सेल्स 11% बढ़ी है। तो डिसेंट सेल्स फिगर्स रही हैं M&M की इस मंथ में यानी मई मंथ के दौरान, और स्टॉक 16 रुपए ऊपर ट्रेड कर रहा है। चलिए फिलहाल इतने ही स्टॉक्स पर डिस्कशन करेंगे शो के दौरान। मुदित आपका भी शुक्रिया और विकास आपका भी शुक्रिया सभी स्टॉक्स पर अपने कॉमेंट्स रखने के।